जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं फिलहाल लेह में और ट्रैवल करने वाला हूं यहां से दिल्ली तक बाय फ्लाइट। तो आपको नज़ारे वगैरह दिखाना चाहता था, सोचा क्यों ना एक छोटा सा व्लॉग हो जाए। स्पाइस जेट की अपनी फ्लाइट है 1240, उसका यहाँ से डिपार्चर है। उसके बाद बहुत ही खूबसूरत नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे जो बहुत सारे लोग मिस करते हैं। जल्दी से चलते हैं, फ्लाइट बोर्ड करते हैं, क्योंकि आप लोगों ने कई बार मेरे साथ फ्लाइट ट्रैवल तो देखा ही है, तो बाकी प्रोसेस तो आपको पता है। फिर भी जो बेसिक जानकारी है वो मैं आपको ट्रैवलिंग के दौरान देता रहूँगा। चलिए इस जर्नी को शुरू करते हैं। एयरपोर्ट के अंदर अच्छी खासी भीड़ है और वहाँ खाने पीने की चीज़ें सब कुछ मिल जाएंगी आपको। और यहाँ पे ट्राइबल आप कपड़े वगैरह खरीद सकते हो, यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स के लिए भी जगह है। पर हाँ, क्राउड बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है आज। और अपना टाइम हो चुका है फ्लाइट बोर्ड करने का, चलिए जल्दी चलते हैं फ्लाइट बोर्ड की। अभी इसकी फ्लाइट थी और अच्छा खासा डिले हो चुका है यहीं पे। 12:30 हो रहा है, अभी तक बैठने जा रहे हैं फ्लाइट पे, डिले है। लेकिन बाहर धूप बहुत ही भयंकर है। छोटी सी बस में बिठाया था कि यहाँ अपनी जो फ्लाइट है वहाँ तक ले जाया जा सके। देखते हैं, नज़ारे बहुत बढ़िया है यहाँ से। जो उड़ेगी ना फ्लाइट तो बहुत मज़ा आने वाला है। यहाँ पे हमसे पहले निकलने वाला गो फर्स्ट का जो प्लेन है वो रेडी खड़ा है, क्योंकि बस जाने को तैयार ही ऑलमोस्ट। और हम लोग को ले जाया जा रहा है स्पाइस जेट के पास। रास्ते में एयर इंडिया का भी एक प्लेन है जो कि रेडी खड़ा था, वो भी मैंने देखा था बस में। अच्छा खासा क्राउड है इस बस में भी। तो ये रहा एयर इंडिया का भी जो प्लेन जो कि रेडी खड़ा है। चलिए चलिए तो ये अपना स्पाइस जेट का प्लेन ले से। तो ये है भाई अपना एयरक्राफ्ट, और काफी सही लग रहा है यार बाकी एयरक्राफ्ट से तो। कुशन वगैरह भी तगड़ी लग रही है। स्पाइस जेट की सीट्स तो काफ़ी सही है, मतलब इंडिगो वगैरह से कंपेयर किया जाए तो। मैं तो आया था गो फर्स्ट से, उससे देखा जाए तो लाख गुना बेटर लग रही है मेरे को उसकी सीट। ये है एयरक्राफ्ट का कॉम्पैक्ट सा वॉशरूम, बहुत ही छोटा सा होता है, स्पेस बहुत ही कम होता है यहाँ पे।
और यहाँ पे स्पाइस जेट की तरफ से फ्री में क्लब सैंडविच और साथ ही साथ एक अच्छी सी कॉफ़ी मिल गई थी, तो जो फ्लाइट ट्रेवल था वो और भी आसान हो गया था। वैसे इसकी सीट जो है काफ़ी कंफर्टेबल है और इसी के साथ खाते पीते अब हम लोग दिल्ली कुछ ही समय में पहुँचने वाले हैं। फाइनली ऑलमोस्ट 2:45 हो रहा है, दिल्ली लैंड कर चुके हैं और लेह में ऑक्सीजन की कमी थी और यहाँ पे प्रॉपर मतलब अच्छे से ब्रीथ वगैरह आ रही है। अब आगे का जो स्ट्रेच है वो ट्रेन से है, सीधा आप लोग से शाम में मिलता हूँ। कौन सी ट्रेन है मुझे भी नहीं पता, मैं करंट में बुक करूँगा और कौन सा क्लास बुक करूँगा वो भी नहीं पता, देखते हैं, आपको अपडेट ज़रूर दूंगा। और फिलहाल गर्मी बहुत ज़्यादा है। ये बस जो है अलाइन की गई है यात्रियों को फ्लाइट से एयरपोर्ट तक ले जाने के लिए, और लाइन से आप लोग देख लो कितनी सारी यहाँ पे फ्लाइट्स हैं यानी एयरप्लेन से जो आए हुए हैं। अभी चलते हैं बस में, आराम से पहुँचा जाए। हाँ, लेकिन उससे पहले कुछ बात कर ली जाए आपसे। अच्छे खासे सफ़र के बाद पहुँच चुके हैं दिल्ली में, लेह के बाद यहाँ आने में काफ़ी गर्मी जैसा महसूस हो रहा है। बाकी आपको ये जर्नी कैसी लगी लेह से दिल्ली तक की बताइएगा ज़रूर। बेस्ट टाइम होता है लेह को विज़िट करने का अप्रैल से सितंबर तक, अगर आप लोग विज़िट कर रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा इसी बीच में करिएगा, उसके बाद बर्फ इतनी ज़्यादा हो जाती है कि विज़िट करना इम्पॉसिबल होता है और वहाँ सर्वाइव करना घूमना मुश्किल हो जाता है। तो भाई बेस्ट टाइम चूज़ करो, अगर अभी भी आप लोगों के पास मौका है सितंबर तक घूम के आना चाहते हो तो घूम के आ सकते हो। बाद में धीरे धीरे रोडवेज वगैरह बंद हो जाएंगे और फ्लाइंग तो ऑलमोस्ट कैंसिल ही हो जाएंगी सारी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था, दिल्ली पहुँच चुके हैं अराउंड 2:45-2:50। अगर वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। खाना पीना फ्लाइट का टेस्टी था, बाकी मेरी तरफ से एक सजेशन है कि व्यू इतना कमाल का होता है ना कि 200 रुपये पे करके विंडो सीट एडवांस में बुक कर लो, बाद में लोग क्या करते हैं झांकते रहते हैं, उससे बेटर है 200 रुपये एक्स्ट्रा दो और पहले से ही विंडो बुक कर लो। चलिए मिलता हूँ आप लोग से नई वीडियो में नई जर्नी में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।